एंड चलो गाइज, अभी हमारा घर तो यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। बाकी गाइज, आपको हमारा घर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना भाई, कितना तो मस्त लग रहा है मुझे तो। यहाँ पर मैंने इस घर को यहाँ पे ब्लू एंड ब्लैक थीम पे बनाया है। बाकी यहाँ पर हमारा घर बना नहीं है, यहाँ पे दुकान बनना चालू हो गई भाई। हेलो दुकानदार वाले भैया, हेलो हेलो भाई, दुकान 2 रुपए की एंड घमंड यहाँ पे भाई जाने कितना भरा पड़ा है भाई। अरे भाई ये बात भी नहीं करना चाह रहा। हेलो हेलो भाई, सामान भी इतना ज्यादा महंगा दे रहा है ये भाई। मैंने देखो इतना ज्यादा बड़ा घर बनाया है एंड यहाँ पर है ना, मैं कोई भी ऐसा घमंड टाइप नहीं लाया भाई, मैं बिल्कुल एकदम सीधा। एंड ये बंदा देखो, लाइक छोटी सी दुकान खोल के भाई इतना घमंड आ गया। एंड चलो गाइस, मुझे लगता है मुझे अपने घर पे जाना चाहिए। एंड चलो फटाफट से घर पे चल के यहाँ पे टीवी वगैरह देखते हैं भाई। गाइस हमारा टीवी तो यहाँ सामने लग रहा है, तो हमें यहाँ पर फटाफट से ऊपर चढ़ना होगा। ओके अबे यार, मैंने लैंटर्न गलत क्यों लगा दी। ओके चुपचाप से इसे यहाँ पर तोड़ के चलते हैं। चलो गाइस, अभी हमने यहाँ पर अपने घर की यहाँ पे दीवार तो लगा दी है। एंड अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पर अपने टीवी में यूट्यूब वीडियोस, वो भी किसकी, मेरी खुद की। एंड चलो गाइस, फटाफट से यहाँ पर टीवी में वीडियो चला लेते हैं। एक दिन मैं अपने माइनक्राफ्ट के सर्वर में ऐसे ही टाइम पास कर रहा होता हूँ। डरिए नहीं, What? ये सिर्फ एक न्यूज है। ओके ओके, तो क्या आप भी अपना टाइम पास यूट्यूब चैनल देख रहे थे? तो देखिए, लेकिन इस न्यूज को सुनने के बाद डर और दहशत न्यूज चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है कद्दूलाल और आज हम आपको देने वाले हैं एक बहुत डरावनी न्यूज। तो शहर में एक बिलेजर के लेजर नाम से एक एंटिटी घूम रही है, जो कि जिस भी एरिया में जाती है वो उसको पूरा तबाह कर देती है। तो अगर आपको ये एंटिटी अपने घर के पास दिखे तो उस एरिया से भाग जाना। बाकी अगर आपको वहां से नहीं भागना तो भी खरीदे 99 रुपए का कद्दू तेल, जिससे आपके घर के बाहर ये बिलेजर के लेजर बिल्कुल नहीं आएगा। व्हाट, ये क्या चल रहा है भाई न्यूज में? कोई कद्दू तेल खरीदने से भाई अपना घर थोड़ी बचा सकता है कोई किसी एंटिटी से। एंड मुझे तो नहीं लगता है यहाँ पर कोई कद्दू तेल से एंटिटी यहाँ पे भाग सकती है। तो मुझे लगता है ना, हमें यहाँ पर अपने पड़ोसी दुकानदार के पास जाना चाहिए। एंड भाई पता नहीं क्या पनौती है, लिटरली मैं कोई भी घर बनाता हूँ ना तो वहाँ पर कोई ना कोई सी एंटिटी आ जाती है भाई। ऑलराइट, तो अभी मैं यहाँ पर आ तो चुका हूँ, तो इससे अभी हमें यहाँ पर तरीके से बात करनी पड़ेगी। हेलो ब्रो, ब्रो देखो देखो, एंटीट्यूड नहीं, देखो तुम्हारी दुकान भी बचाना चाहता हूँ मैं। देखो यहाँ पर एक एंटिटी आ रही है बहुत खतरनाक वाली। ओके अगर वो आई ना तो देखो तुम्हारी दुकान भी उड़ेगी, मेरा घर भी उड़ेगा और सब कुछ उड़ेगा। ओके एंड फिर मैं उस दुकानदार से काफी देर तक बात करता हूँ। एंड वो दुकानदार लकीली उस मेरी बात को मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि उसको उसके बदले में काफी सारे गोल्ड ब्लॉक चाहिए। एंड तुम्हें क्या लगा वो बंदा मुझसे बोलेगा कि गोल्ड ब्लॉक दो तो मैं दे दूंगा? मैं दे दूंगा भाई, ये देखो मेरे पास इतने सारे गोल्ड ब्लॉक है। एंड अभी ये सब जाने वाले हैं। ओके ओके, मैं आ रहा हूँ भाई तेरी दुकान पे। ओके लगता है। अबे भाई 25 गोल्ड ब्लॉक कम थोड़ी ना होते हैं भाई, लिटरली इतना एटीट्यूड दिखा रहा है भाई ये दुकानदार। ओके मैं तेरे को एक 25 गोल्ड ब्लॉक दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता बट मुझे यहाँ पर है ना अपने घर को सिक्योर करने के लिए काफी ज्यादा सामान चाहिए, वरना तेरी दुकान को रात को ही उड़ा दूंगा। ऑलराइट गाइस, तो अभी हमें यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। अभी यहाँ पे बाहर चल के देखते हैं कि भाई वो बंदा यहाँ पर है कि नहीं है, वो सामान लाया कि नहीं लाया। व्हाट, वो बंदा कहाँ गया भाई? अभी अभी तो यही था वो भाई, उसने मुझे स्कैम तो नहीं कर लिया यहाँ पर? भाई दुकान भी एकदम खाली लग रही है भाई। वेट, यहाँ पर एक चेस्ट रखा है। ओ लेट्स गो, यहाँ पे है ना आर्मर भी रखा है। एंड ये क्या है भाई, ये कौन सा टूल है? पता नहीं क्या आया था ये। एंड यहाँ पर शील्ड वगैरह सब ले लेते हैं। सेक्रीफाइस एंड लाइफ, ये क्या है भाई? एंड लेट्स गो गाइस, अभी हम यहाँ पे पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, तो मुझे लगता है अभी हमें यहाँ पर अपने घर को यहाँ पर सिक्योर बनाना चालू करना चाहिए। एंड चलो गाइस, अभी यहाँ पे हमें वुल तोड़नी चाहिए एंड यहाँ पे स्टोन ब्लॉक लगा देनी चाहिए उसकी जगह। एंड चलो गाइस, अभी हमने यहाँ पर है ना अपने घर को तो एकदम सिक्योर बना लिया है, बाकी अभी हमें यहाँ पर उससे फाइट करने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। एंड मुझे लगता है ना मेरे पास यहाँ पे जो अलग अलग टूल आए हैं, आई थिंक मैं उससे उनको हरा सकता हूँ। एंड सबसे पहले हमको यहाँ पर जो ये आयरन बार है इनको यहाँ पर कांच की जगह लगा देना चाहिए भाई, काफी ज्यादा सही लगेगा ये। गाइस अभी हमारा घर तो यहाँ पे काफी ज्यादा सिक्योर लग रहा है, बट पता नहीं क्यों तो मुझे ये जेल जैसा लग रहा है। एंड गाइस अभी हमारे ये वेपन देखो भाई, कितने ज्यादा ओवर पावर लग रहा है भाई। एंड आई डोंट नो इनका क्या यूज होगा यहाँ पर। 2 hours later, वेट, ऊपर ये बिलेजर दी क्लेजर लिख के क्यों आ रहा है भाई, ये कौन है ये? गाइस मुझे लगता है ना यहाँ पर कोई बिलेजर दी क्लेजर नाम से कोई एंटिटी घूम रही है भाई बाहर। अगर फटाफट से यहाँ पर इस गेट को बाहर चलते हैं। ओ नहीं भाई, ओ भाई ये क्या है? ओ भाई मर जा भाई, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक एंटिटी है भाई। मेरे को बहुत ज्यादा फायर लग रही है भाई। ओके भाई वर्क नहीं करी। व्हाट, ये क्या था? अबे भाई मैं कहाँ स्पॉन हो गया? व्हाट, ओके भाई मैं इसको मार दूंगा इजीली, लेट्स गो भाई। अबे यार ये कितनी फास्ट है भाई। गाइस अभी मुझे ये आइडिया है, यहाँ पर जो हमारी विलेजर स्टाफ है इससे हम यहाँ पर बेडरॉक को भी तोड़ सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर है ना इसको यहाँ पर ट्रैप में फंसाएंगे। ओके लेट्स गो, आजा आजा। ओके ओ गिर गया ये, लेट्स गो भाई, यहाँ पर इसने बेडरॉक तोड़ दिया। ये देखो भाई ये बहुत ज्यादा मस्त है भाई, लेट्स गो। बाकी अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाकी अपने घर पे चलते हैं। एंड वेट,